हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा सीटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, तो जिसने भी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कुल बॉय कुलबीर के नाम से आप टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और PDF भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, साथ में घंटी का बटन भी दबा के जाए ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिस आपको मिल जाए। और पूरा पूरा पेपर नए पैटर्न पर आधारित हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, पूरा खोल के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का पेपर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया था किसके द्वारा? लिच्वी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली था वो लिच्वियों द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया है? तो ये चलाया है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में साम्यवादी जो दल हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन संचालित किया गया है, जिसे प्राय भूदान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से आंदोलन के नाम से जानते हैं इसको? भूदान आंदोलन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहे कि भूपोर्तम का दूसरा नाम क्या है, तो भूदान आंदोलन है। ठीक है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का काफ़ी रोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जी हाँ। ठीक है, ये कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सिक्किम में है। उसके बाद केवलादेव आपका राजस्थान में है। ठीक है, और ये सभी जो है विरासत धरोहर है। जो बच गया एक ऑप्शन ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो है विश्व विरासत स्थल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो कायंत्रित सेल हैं उनके विघटन और वियोजन से जो है ये मिट्टी बनती है। ठीक है, उसके बाद जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो उस समय काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वह चुनावी प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, विजेता कहलाता है। किस चीज़ का विजेता? तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनेकता प्रणाली। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI जिसको बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? तो ये रोजगार सृजन कराती है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? तो गरीबी उन्मूलन है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? इस योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। मानव का बार बार श्रवण शक्ति सीमा क्षेत्र कितना है? बारम्बार जो सुनने का क्षेत्र है वो 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक। ठीक है, जो आवर्ती वाली तरंगे हैं इनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने में यूज किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग में तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रियता। उसके बाद नेक्स्ट है,
कोशिका मध्यस्थता प्रत्यक्ष को कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे करते हैं, ये हो जाएगा कोशिका द्वारा विशिष्ट प्रतिजन की पहचान। XML जो फाइल है उसके लाभ क्या हैं, तो XML फाइल के लाभ देखिए, दो पूर्ण रूप से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर कर सकती है, ठीक है। तीन टीयर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस वस्तु में मध्यवर्ती परत कहलाती है, क्या कहलाती है, एप्लीकेशन सर्वर। विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को दोस्तों, ठीक है। 2021 के लिए जो विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी वो थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने जो है वो बनाया था आपका ऑप्शन बी हांसी को। उसके बाद नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ, कैसे हुआ था, ये हुआ था देखिए, स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी पद लौटाकर और खिलाफत कमेटी बनाकर, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन, ठीक है। अकबर के समय रेवाड़ी के जो शासक थे वो कौन थे, तो उस समय थे हेमचंद्र, ठीक है। अकबर के समय जो रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र थे। 1556 के पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था, इस युद्ध में हेमू की जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी भाषा में हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, ये जाना जाता है श्री सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। हरियाणवी भाषा में हास्य और व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, भारत के लोकप्रिय हास्य कवि हैं। इनका जन्म जो है 29 जुलाई 1945 को हुआ था, ठीक है। और गांव कौन सा, नांगल गांव है, नांगल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से क्या श्री चंद्रदाई द्वारा लिखा गया है, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसमें आएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहां पे स्थित है, तो ये है आपका गुरुग्राम में, ठीक है। फलगुड़ टैंक जो है एक पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल है, कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका कैथल के अंदर दोस्तों। उसके बाद है, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपकी करो शिखर, ठीक है, पंचकुला के अंदर है, मोरनी पर्वत क्षेत्र में आती है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सटे इस इलाके में हरियाणा का आखिरी गाँव भी है, ठीक है। करो जो चोटी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4813 फुट। उसके बाद चरखी दादरी जिला जो है किस वर्ष बना था, 2016 में बना था, दिसंबर 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 22वां जिला है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, काफी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21वां। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो कितने हैं, दो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और एक है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र विभाजित हैं, तो कितने हैं, 90। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा किस जिले में आता है, ये आता है सिरसा में। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे गए हैं, तो ये कितने हैं, 5। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये डेयरी वाला, तो ये है आपका करनाल में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इस संस्थान को 1989 में जो है वो मानद विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा पशुधन फार्म जो है वो आपका कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, खेलों की बात की जाए तो यहाँ पे बात करें प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं के अनुदान देना, तो सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र, तो दरी बनाने का आपका पानीपत के अंदर, ठीक है, क्योंकि बुनकरों का शहर बोलते हैं पानीपत को, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा। और पानीपत जिले में बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो पानीपत ग्रामीण है, एक पानीपत शहर है, एक इसराना है और एक है समालखा, ठीक है। और लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पानीपत आता है करनाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लोह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। लोहे की बात की जाए तो आप समझ ही गए होंगे, हिसार की बात की जाती है, जिंदल सिटी की, ठीक है। उसके बाद है, किसको भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, 2009 की बात है तो ये भिंडावास को किया गया था दोस्तों 2009 में, 3 जून 2009 को, ठीक है।
और जवाहरलाल नेहरू नहर जो है इसके अतिरिक्त पानी को स्टोर करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और बात करें कितने क्षेत्र में फैला हुआ, तो 1076 एकड़ में ये फैला हुआ आपका। हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है? हरियाणवी उत्पन्न हुई देवनागरी लिपि से। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस सन में की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 22 दिसंबर 1985 को। ठीक है, उसके बाद है किसने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्य कहा है? तो हरिधान्य किसने बोला है इसको? ये बोला है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित को हरियाणा वन विकास निगम यानी HFD के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय किसको छोड़ करके? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। उसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी सरणे या अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं सुल्तानपुर हरियाणा के जिले में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, गुरुग्राम में है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका गणित और जो तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है वो आप खुद करके देख लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो उसके बाद जो हिंदी है वो मैं आपको करवा देता हूँ। हिंदी में आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आपने इन क्वेश्चन का आंसर देना है जो यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, ये देखिए, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? ठीक है, उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो आपका क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सभी धर्मों का आदर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रेरणार्थक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दीपा जो है गाय को चारा खिला रही थी, अर्थात गाय स्वयं नहीं खा रही थी, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग इनमें से है आपका कष्ट। ठीक है, कष्ट ऑप्शन आपका पुल्लिंग है। अपादान कारक उत्तम कारक बहुवचन रूप होगा किसका? ये हो जाएगा बी, हमसे का। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है जिससे समानता हो? तो ये आपका जो इक्वल टू का होता है, इक्वल का मतलब होता है समान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में, तो अंतिम में हुआ है इम का। ठीक है, अंति जमा इम, अंतिम, अंत जमा इम, अंतिम। उसके बाद है कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण में हो जाएगा तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मधारय का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। अली और अली जो शब्द हैं, युगम का सही अर्थ बताना है तो बात करें एक तो अली होता है बोरा और एक अली होता है सखी, तो बोरा और सखी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चिट्ठी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है, तो बात करें जो सीमिका है, सीमिका चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चिट्ठी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है चिंती, चुटी, संदेशी का, पीपिल का, चुट्टी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? अनाक्रांत। वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, क्या रही? तो ये आ जाएगा प्रगति की, प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। उसके बाद जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो पद्मावत क्या है यहाँ पे? समासोक्ति। ठीक है, अब इंग्लिश का पार्ट आ गया, तो इंग्लिश में पार्ट में जो है आपने ये पैराग्राफ पढ़ लेना है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ जंक एंड फास्ट फूड इज द मेन, पहले ऑप्शन में क्या जाएगा? पहले ऑप्शन में आएगा काज, CAUSE। ठीक है, काज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है जो दूसरा ऑप्शन है इसमें किसका उपयोग करेंगे? अननेसेसरी। ठीक है, फूड लीड्स टू अननेसेसरी। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें क्या आ जाएगा? साइकोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल आ जाएगा थर्ड। उसके बाद जो फोर्थ है
जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी। फोर्थ ऑप्शन में क्या देगा, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ओबेसिटी इज टू डू, क्या जाएगा, रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आ जाएगा। तो 90 तक ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आगे चलिए, सिलेक्ट द, यहाँ पे आपने सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग किसका, मार्वेलस का। तो मार्वेलस का जो मतलब होता है वो होता है आश्चर्यजनक या फिर चमत्कारी। तो इसका जो सिनोनियम यानी कि सेम मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, वंडरफुल, ठीक है। उसके बाद एंटोनियम आपने बताना है एम्पल का, AMPLE। तो एम्पल का जो मतलब होता है वो पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सैक्रेज, ठीक है। उसके बाद है 93 का, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज, वन वर्ड आपने बताना है, दैट थॉट विच लाइट कैन नॉट पास। तो क्या हो जाएगा वो, ए ऑप्शन हो जाएगा ओपेक, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, है पारदर्शी होता है ओपेक, ठीक है, ओपेक या धुंधला या अस्पष्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट आपने बताना है, इनमें से जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। क्या स्पेलिंग आनी चाहिए, TERRESTRIAL, इसका मतलब होता है सथल या पृथ्वी संबंधी। उसके बाद दूसरे में भी इनकरेक्टली जो स्पेल्ट है वो आपने बतानी है, क्या हो जाएगी, पिकल, PICKEL, इसकी जगह पे आ जाएगी PICKLE, इसका मतलब होता है अचार, ठीक है, पिकल। उसके बाद है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट्स, ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपने बताना है, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस टू डेज। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस की जगह पे फोर का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ अनिश्चित समय है, ठीक है, जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो फोर आएगा यहाँ पे। उसके बाद है द बुक आर नॉट आउंड बाय हिम, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर नॉट आउंड के स्थान पर इज नॉट आउंड होगा क्योंकि बुक यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है और आउंड आएगा क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में आउंड की थर्ड फॉर्म आउंड आएगी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, इज नॉट आउंड। सेलेक्ट द मोस्ट प्रोड, इसमें आएगा इतोपदेशा टेल्स आर रिटन इन रीडर ट्रेंडली स्टाइल विच परहाप्स डेस्ट टू देयर सक्सेस। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड इसमें आ जाएगा ऑप्शन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना और कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वाज एक्सट्रीमली डेस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो रिक्त स्थान में कॉन्टेक्स्ट के अनुसार एनेक्सियस का प्रयोग उचित रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको, आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सेड अरुण टू द रेसिप्टोनिस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुण टोल्ड द रेसिप्टोनिस्ट दैट ही लाइक्ड हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, धन्यवाद।